हेलो गाइस, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने गांव की लगभग अपने यूपी की दो दो शादी आपको दिखा दी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड देहरादून में कैसे शादियां होती हैं, वहां पर कैसे सॉन्ग वगैरह होते हैं, क्या रस्म रिवाज होता है, सब कुछ दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो चलिए, इस ब्लॉग में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस ब्लॉग को कम्प्लीट वॉच करना। तो गाइस, हम लोग को यूपी से उत्तराखंड आने में थोड़ा लेट हो गया, तो यहाँ पर कुछ रस्म रिवाज हम लोग से छूट गए हैं। बाकी अभी जितना रस्म रिवाज बचा है वो सारा एक एक करके मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर अभी हल्दी का कार्यक्रम हो गया है और ये देखिए भैया अभी अपने हाथ से सारा हल्दी वगैरह छुड़ा रहे हैं। और दूसरा चीज़, ये जो भाभी जी बैठी है ना पिंक कलर में, वो देखिए कॉर्नर में बैग के बगल में पिंक कलर में भाभी हैं। ये लहसुन का अचार बहुत तगड़ा बनाती हैं गाइस, तो मैंने सोचा भाभी को भी अभी बता दें उनके बारे में थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इन लोगों के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर जिनको मेहंदी लग रहा है ये अपने दूल्हा बाबू हैं, मतलब अपने मनीष भैया हैं। बाकी ये मेहंदी आर्टिस्ट हैं, नाम तो नहीं पता मुझे, काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी टैलेंटेड हैं ये, बहुत तेज़ी से मेहंदी लगा रही हैं। मतलब मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, मेरा हाथ हिल रहा था, मतलब सही से लाइनिंग नहीं हो पा रहा था, पर इनका हाथ काफ़ी फास्ट चल रहा है, मतलब प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। और अपन के बाजू में कैमरा आर्टिस्ट हैं, मतलब कैमरा मैन। अफसोस आप उनको देख नहीं पाओगे, लेकिन आगे के ब्लॉग में आप उनको भी देखोगे। ये अपने आशीष भैया हैं, मनीष भैया के बड़े भाई, और इनके गोदी में ये जो है ये बहुत क्यूट सा लड़का है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है, नाम इसका ईशू है। इधर सामने दीप भाई के साथ साथ हमारे बुआ फूफा जी हैं ये, और इनका बड़ा रोल रहता है शादी में, आप लोग जानते ही होंगे। पहले सबका इंट्रो मैं दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ का सॉन्ग सुनना गाइस, बहुत तगड़ा सॉन्ग यहाँ पे चलता है। और सॉन्ग के बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता भी नहीं है क्योंकि यह थोड़ा सा हटके है अपने यहाँ से। एंड गाइस, ये अगेन मेहंदी आर्टिस्ट, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके एक हाथ में तो काफ़ी प्यारा लगा दिया है मेहंदी। अभी कैमरे में कैसा रिकॉर्ड हो रहा है मुझे नहीं पता, बट रियल लाइफ में देखने में मस्त लग रहा है। लेकिन अभी इनके पास एक बड़ा चैलेंज है, अभी दूसरे हाथ में इनको क्या डिज़ाइन बनाना है, और इनके पास कॉन्सेप्ट भी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो अपने मनीष भैया है ना, इनका नाम तो आप लोग जान गए, यम से आता है। प्लस जो अपनी होने वाली भाभी जी हैं उनका भी नाम यम से आता है, क्योंकि उनका नाम मीनाक्षी है। तो इनके पास कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों यम को यूज़ करके, मतलब यम स्क्वायर को यूज़ करके कुछ डिज़ाइन बनाना है। अब इनके माइंड में क्या डिज़ाइन चल रहा है वो तो यही जाने, बाकी दोनों यम को यूज़ करके कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए ऐसा क्या बनने वाला है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्केचिंग वगैरह करता हूँ तो मेरे से रिलेटेड है। तो लंबे समय सोचने के बाद फाइनली एक डिज़ाइन बन गया है जिसमें यम यम लिखा हुआ है, मतलब डबल यम एक साथ लिखा हुआ है, बगल में दिल बना है, और इसको रिंग से घेरा जाएगा और उसके बाद उसमें कुछ डेकोरेशन किया जाएगा, जो आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए रिंग कितना अच्छा बन रहा है, रिंग एकदम परफेक्ट बने उसके लिए हम लोग बड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ा, ग्लास वगैरह काट करके फिर उससे थोड़ा सा पेन से डॉट डॉट कर दिया गया और कुछ इस तरीके से बनाए। तो अगर कोई मेहंदी आर्टिस्ट मेरा ब्लॉग देख रहा होगा तो थोड़ा सा आइडिया ले लेना इन सब चीज़ों का कि कैसे रिंग वगैरह बनाते हैं। तो अब यहाँ पर रिंग के साइड साइड पौधा जमाया जा रहा है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ सल्लू भाई, आप हंस रहे हो यार। तो यार ढोलक वगैरह आ गया, अभी सॉन्ग आप लोग सुनना यहाँ का, मतलब उत्तराखंड देहरादून का कौन कौन सा सॉन्ग यहाँ पर चलता है। और फाइनली मेहंदी लग चुका है, आपको थोड़ा क्लोज शॉट दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है मेहंदी। शायद गांव साइड में ये मेहंदी कार्यक्रम नहीं होता है, आप लोग के साइड मेहंदी कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है आप लोग कमेंट में बताना, और आप कहां से हो ये भी लिखना ताकि मुझे पता चले थोड़ा सा। तो यहां पर मैं मेहंदी का क्लोज शॉट लेने ही वाला था, तब तक ये जो मेहंदी आर्टिस्ट की बड़ी बहन है ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये भैया को अभी भूत बनाएंगी, तो जब भूत बन जाएंगे तब आपको हम दिखाते हैं कि मतलब मेहंदी कैसे लगा है, क्या डिज़ाइन बना है। बाकी यहाँ का सॉन्ग आप लोग सुनिए। मोड़ के
लड़कियों की तरह सरकार नीचे सॉन्ग चल रहा है तो हम सोचे थोड़ा सा खाना खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं नीचे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी यहाँ पर खाना खा के चलते हैं, देखते हैं सॉन्ग खत्म हुआ कि नहीं। तो ये भैया शादी को लेकर के इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं कि अपने शादी का पहला पटाखा खुद फोड़ रहे हैं। देखिए आप लोग ऊपर जाए ऊपर वो लैडर वो हो गया तो गाइस फाइनली ये था उत्तराखंड का मतलब शादी के एक दिन पहले का पूरा सिस्टम। अभी कल भैया का शादी है, मतलब कल यहाँ से दूल्हा बन के जाने वाले हैं। तो आज का तो आपने देखा, यहाँ का जो गाना वाना चल रहा था वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें एक्चुअली कह क्या रहे हैं गाने में, मतलब कुछ अलग ही था। तो आगे का जो सीन है, मतलब कल का जो पूरा सीन है, वो कल आपको दिखाएंगे। इसमें इतना ही। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वाले में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।